चिंतन आप लोगों के साथ। आइए नजर डालते हैं खास खबरों पर। लालसोट में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें दादू पीठाचार्य श्री गोपाल दास महाराज रहे मुख्य अतिथि। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट के राजेश पायलट महाविद्यालय में कल छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया गया। छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन के दौरान अध्यक्ष कमल मीणा पीसीसी सचिव ने की, मुख्य अतिथि आचार्य गोपाल दास महाराज रहे, विशिष्ट अतिथि लोकेश मीणा एडीएम लालसोट रहे। छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन आचार्य गोपाल दास महाराज और लोकेश मीणा एडीएम लालसोट ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर कमल मीणा पीसीसी सचिव ने मां सरस्वती के दीप जलाकर सामूहिक का शुभारंभ किया। समारोह के दौरान पीठाचार्य श्री गोपाल दास महाराज का लालसोट जमान पहुंचने पर ग्रामीणों ने भव्य स्वागत कर आचार्य गोपाल दास महाराज की शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान कई लोगों ने शोभा यात्रा में भाग लिया और आचार्य गोपाल दास महाराज को दंडवत प्रणाम कर ग्रामीणों ने आशीर्वाद लिया। आचार्य गोपाल दास महाराज शोभा यात्रा के दौरान राजेश पायलट महाविद्यालय लालसोट पहुंचे, जहां पर छात्र संघ अध्यक्ष सहित कई छात्रों ने आचार्य गोपाल दास महाराज का स्वागत कर आशीर्वाद लिया। आचार्य गोपाल दास महाराज ने वेदवाणी से छात्र छात्राओं को संबोधन करते हुए जीवन को सादगी भरे अंदाज में जीने की शिक्षा दी, जिसके चलते अहंकार को त्याग कर अच्छे संस्कार विद्यार्थी अपनाएं एवं अपने कुल के नाम के साथ विद्यार्थियों को देश का नाम रोशन करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कॉलेज में विद्यार्थियों की उम्र का ये पड़ाव सबसे अहम पड़ाव होता है। इस पड़ाव के चलते जो विद्यार्थी संभल जाता है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। समारोह की अध्यक्षता कर रहे पीसीसी सचिव कमल मीणा ने उनकी समस्या को पिता प्रसादी लाल मीणा उद्योग एवं क्रम मंत्री राजस्थान सरकार से वार्ता कर समाधान करने के लिए छात्रों को आश्वस्त किया। इस अवसर पर लालसोट के एडीएम लोकेश मीणा, कॉलेज प्राचार्य बीएल वर्मा, छात्र संघ अध्यक्ष मनोज स्वामी, पार्षद दयाराम स्वामी एवं पूर्व पार्षद देवादास सहित अनेक लोग समारोह में उपस्थित रहे। फुलेरा में पहली बार खुली अदालत का आयोजन हुआ। फुलेरा रेलवे नगरी में कल सामुदायिक भवन में उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर मंडल की ओर खुली अदालत का आयोजन किया गया। मंडल रेल प्रबंधक मंजूषा जैन की अध्यक्षता में रेल कर्मचारियों की समस्याओं व उनके समाधान के लिए खुली अदालत सुनवाई की गई, जहां मंडल रेल प्रबंधक ने खुली अदालत के दौरान रेल कर्मचारियों, रेलवे फैशनर्स आदि की शिकायत का मौके पर मौजूद रेल अधिकारियों से निस्तारण करवाया गया। साथ ही रनिंग स्टाफ के परिजनों से भी मिली और उनकी शिकायतों का समाधान किया। वहीं फुलेरा रेल नगरी के नाम से विख्यात होने के कारण कस्बे से संबंधित विभिन्न समस्याओं को लेकर नगर पालिका मंडल के एक शिष्टमंडल ने पालिका अध्यक्ष रतन राजोरा के नेतृत्व में मंडल रेल प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा तथा रेल यात्रियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर दैनिक रेल यात्री महासंघ व दैनिक रेल यात्री महासंघ ने भी एक विभिन्न समस्याओं से मंडल रेल प्रबंधक मंजूषा जैन को अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा। वहीं देर शाम तक पौधारोपण सहित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता रहा। निकिता मुरारी को सेकंड रनर अप अवार्ड से नवाजा गया। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग जयपुर में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही निकिता मुरारी को हाल ही दिल्ली हॉट ऑडिटोरियम जनकपुरी में आयोजित INIFD लॉन्चपैड व डिजाइन फेस्टिवल के सीजन 3 में सेकंड रनर अप अवार्ड से नवाजा गया। निकिता द्वितीय वर्ष की स्टूडेंट है। निकिता के द्वारा डिजाइन की गई ड्रेसों का मशहूर मॉडल और चयन समिति के द्वारा सिलेक्शन किया गया। सिलेक्शन कमेटी में सागरिका घाटके, नीरज गावा, पंकज आहूजा और रसेल गुजराल ने तय किया। यह बहुत ही गर्व की बात है कि राजस्थान में सिर्फ निकिता को ही पहली बार अवार्ड दिया गया है। यहां से चयन होने के बाद ही लैक्मे के द्वारा मुंबई में मौका दिया जाता है। देश में ख्याति प्राप्त मॉडल, अभिनेता, अभिनेत्रियों व खासकर युवा वर्ग में इस इंस्टीट्यूट के द्वारा डिजाइन किए गए कपड़ों को विशेष महत्व दिया जाता है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।